हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट्स एंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे इस टफ टाइम में। आज का जो वीडियो है, बेसिकली अभी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ये कोरोना रिलेटेड आउटलाइन पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, प्लस अदर जो हमारे चल रहे थे वो एज इट इज वैसे ही चल रहे हैं जैसे कि हम उनपे वर्क कर रहे थे। एडवांस आउटलाइन एंड फ्रेजेस वगैरह जो भी हम काम कर रहे थे वो सेम एज वैसे ही वर्क कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको आउटलाइंस बताती हूँ, स्मार्ट आउटलाइन बताऊंगी। आफ्टर दैट आपको मल्टीपल लेवल्स में डिक्टेशन अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, इसमें जो वर्ड्स मैं बताऊंगी बेसिकली ये उनका शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए या फिर उनकी आउटलाइन कह लीजिए, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ एडवांस आउटलाइन भी आएंगी जिनको कि मैं प्रॉपर किस तरह से वो बना है वो आपको बताया है मैंने, ओके। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एंड वीडियो को पूरा देखा कीजिए कम्प्लीटली, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए किसी भी लाइन को खुद से खुद ड्रॉ करने के लिए। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको आउटलाइन ड्रॉ करना प्रॉपरली आना चाहिए। देखिए, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो वीडियो बनाने वाला तो आपको बता देगा, बट खुद का कॉन्फिडेंस तभी मेंटेन होता है जब आप उसको पूरी तरह से समझेंगे कि क्या रूल कहाँ पर कैसे अप्लाई हुआ है। तो उसके लिए जरूरी है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए। डिक्टेशन आपको मल्टीपल लेवल्स में, फिर ज्वाइंट लेवल्स में आपको प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं आपको डिक्टेशन दे दिया बात खत्म, मैं आपको हर लेवल पर स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना चाहती हूँ। ऑनेस्टली मेरी यही थिंकिंग है कि आप हर लेवल पर प्रिपेयर हो, ठीक है। इसलिए प्लीज पहले स्मार्ट आउटलाइन देखा कीजिए, आफ्टर दैट आप डिक्टेशन सेक्शन को मैनेज किया कीजिए, ओके। जैसे कि मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को कराती हूँ, सेम एज वही फॉर्मेट में आपके लिए भी अप्लाई करती हूँ और आपके टेस्ट भी लेती हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट उन टेस्ट के आंसर देते हैं, जो देते हैं उनके लिए बहुत बहुत विशेष है मेरी साइड से कि आप इसी तरह से ग्रो अप करते रहिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। जो नहीं करते हैं प्लीज मैं उनसे यही कहूंगी कि फोकस ऑन योर स्टडीज, बिकॉज ऑनलाइन फॉर्मेट में आप ये मत समझिए कि मैं आप पे नजर नहीं रख रही हूँ। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आई नो दैट कि वो कब कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंसियरली मेरे से चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि उनकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्मार्ट आउटलाइन की। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारा स्मार्ट आउटलाइन में, दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया थर्ड प्लेस साउंड है ई, तो डा को हमने थर्ड प्लेस बनाया और या की साउंड दे दी, और यहां पर हम दो मार्क लगाएंगे जो कि ये डिफाइन करेंगे कि ये एक ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसलिए किसी भी संज्ञा शब्द के नीचे हम इस तरह की मार्क लाइन बनाते हैं, ठीक है। भारत, भा डाता हो ताकि व्यंजन लिखा, राज्य, ठीक है। संघ, सघ संविधान। आज के वर्ड्स थोड़ा सा अलग है, मुझे ये डिक्टेशन अच्छा लगा, मुझे लगा इसमें आपको कई सारी एडवांस आउटलाइन मिल जाएंगी जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो आप देखिए इसमें बहुत सारी लाइनें आपको ऐसी मिलेंगी बेसिकली जो आज की सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। रहे हैं तो रहे हैं, ठीक है। शुरुआत होती है, तो शुरुआत का शब्द चिन्ह है आपका ये, ठीक है। शुरुआत होती है, अब यहां पे हमने बाकी व्यंजन रेखा को पूरा बनाया है ताकि हम होती है इसमें ऐड कर सके, और ये ज्यादा आपको अगर क्लियर ना हो तो आप थर्ड प्लेस डिफाइन करके लिख सकते हैं, ओके। आज से पहले, तो देखिए आज, आज से आज से पहले, आज का आ गया, से का आ गया, पहले का आ गया, ठीक है। आज से पहले पंक्ति, पंक्ति पंक्ति, ठीक है। सतर्क होकर,
तो सतर्क ये बन गया, ठीक है, और इसी में हमने इवन इसको छोटा कर देंगे सतर्क होकर। और अगर आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम सतर्क को पूरा लिख सकते हैं इस तरह से और होकर ये है क्या सतर्क होके, तो ये दोनों फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं शब्द को और इस तरह से भी आप इस शब्द को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और एडवांस आउटलाइन देखते हैं। ली जा रही है, थर्ड प्लेस साउंड ली जा रही है, जा की व्यंजन रेखा को उसकी लंबाई का डबल कर दिया है तो इसमें रहा रही रहे ऐड हो गया है तो क्या बन गया ली जा रही है, ठीक है। सावधान सावधान, ठीक है, इस तरह से ये शब्द बनेगा। नेक्स्ट है आपका आगे बढ़ाए जा रही है, आगे का सिंबल है आपका ये, ठीक है, और इसी में हमने लिख दिया बढ़ाए जा रहे हैं, वही जा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया है तो इसमें रहा रही रहे भी ऐड हो गया। प्रार्थना, देखिए प्रार्थना प्रार्थना इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका केंद्र शासित, यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी इस स्मार्ट आउटलाइन में बहुत सारे वर्ड्स आपके इंक्लूड हुए हैं, ठीक है, तो अभी पर्टिकुलर वही वही वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। तो केंद्र शासित, केंद्र के लिए डबल करते हैं शासित, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा बड़ी आपका ऑलरेडी सिंबल हो चुका है उसी से है। नेक्स्ट है आपका कोरोना महामारी, ठीक है, कोरोना महामारी, तो हमने ये लिखा कोरोना महामारी, इस तरह से आप डिफाइन करेंगे या फिर आप इसको कोरोना महामारी इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप इस शब्द को बना सकते हैं। फिर है आपका लड़ रहे हैं, देखिए लड़ रहे हैं, ड़ा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया है तो उसमें रहा रही रहे भी जुड़ गया है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है दैट इज बिल्कुल, बिल्कुल का सिंबल आपका हो चुका है बिल्कुल कबल बल, ठीक है, तो बा और ला इस तरह से आप बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कंफ्यूजन आपका सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद आपका वर्ड है मुख्य मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, तो दो माँ बनेंगे मुख्यमंत्रियों, ठीक है, वैसे मंत्री का आपका ये सिंबल है मंत्री, ठीक है, इसी तरह से बना आपका प्रधान मंत्री, तो प्रधानमंत्री, प्रधान के लिए प्रा की व्यंजन रेखा को लाइन को लिया है हमने पा और रा को और मंत्री इसमें ऐड कर दिया है, इसी तरह से आपका सही पाया है, तो सही का सिंबल आ गया पाया है इसमें ऐड हो गया। रह चुके हैं, तो रह चुके हैं, चुका चुकी चुके के लिए लाइन को काट कर लिख देते हैं हम का की व्यंजन रेखा से, तो एज नियर एज हम इसको कट करके डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जमीनी, तो देखिए ज म न और ये ई की मात्रा, हकीकत हकीकत छोटा कर दिया है यहां पर इसको, महत्व है तो महत्व तो है। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य का आपका सिंबल है, ठीक है,
हम उसी सिंबल को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, मुख्य सचिव, मुख्य का आपका सिंबल आ जाएगा और ये सचिव के लिए आ गया, ठीक है, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, तो जिला का आपका सिंबल आ जाएगा यहां पर ये प्रशासन, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आपने लिखा जिला प्रशासन, सन का हुक लगा दिया हमने, ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट से आप इस शब्द को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे के वर्ड्स। वायरस, वायरस, ठीक है, बेतरती, तो बेतरती, ओके। नेक्स्ट है फैलाने से या फैलने से रोक लिया गया है, कैसे बना, फैलने से रोक लिया गया है, ठीक है। फिर से एक बार बना रही हूं, देखिए फैलने हमने पूरा लिखा, रोक लिया गया है, इस तरह से ये सिंबल बनेगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए मौजूद, वैसे उर्दू के शब्दों में जहां आपकी ऋषि प्रणाली में डिफाइन किया गया है, मौजूद का एक सिंबल बताया गया है, ठीक है, लेकिन हम यहां पर मौजूद इस तरह से बनाएंगे, मौजूद, ठीक है। आर्थिक, अर्थ का बनाया का उसमें ऐड कर दिया, आर्थिक, मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन, तो कैसे लिखा, मानव का आपका सिंबल है ये और इसी में संसाधन ऐड हो जाएगा। बाधाओं, बाधाओं, ठीक है, बावजूद, बावजूद, जाकी व्यंजन रेखा को छोटा किया है, जिस तरह से, काम किया गया है, तो देखिए काम किया गया है, इस तरह से हम शब्द को बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सराहना की जा सकती है, सराहना की जा सकती है, ये शब्द देखिए सराह, ये हो गया सराहना, ठीक है, फिर यहां से जा सकती है, ये पूरी आपकी एडवांस आउटलाइन बन गई। सराहना, सा और रा के लिए हमने पहले लाइन को बनाया है, फिर हा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ किया है, ना बनाया है, जा सकती है, फिर उसमें हमने ऐड कर दिया है, तो इस तरह से ये शब्द हमारा डिफाइन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम वर्ड्स को। केरल, नीचे दो लाइन मारेंगे, पिनराई विजयन, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं इस समय पर, ठीक है, पिनराई विजयन, तो देखिए प न रा ई, ये हो गया पिनराई, ठीक है, ये आ गया विजयन, पिनराई विजयन, ठीक है।
अगर आपको ये नाम याद है तो आप यहाँ पर ये या ना हटा के खाली ना का हुक बना के भी उसको समझ सकते हैं, ठीक है। पिनराई विजयन इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर आपको नाम प्रॉपर याद है, सुना हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम सुना हुआ है। अगर कम सुना हुआ है तो प्लीज शब्द को पूरा लिखिए ताकि जब आप एक्सप्लेन करें तो आपको किसी तरह की मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। नियंत्रित, नियंत्रित करने के लिए, तो करने के लिए इसी तरह उड़ीसा भी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो रा का सिंबल आया है री सा, इस तरह से आप शब्द को लेंगे। उपलब्धि थर्ड प्लेस पे डिफाइन होगा। उल्लेखनीय, ये लाइन हो गई थर्ड प्लेस की, उल्लेखनीय उल्लेखनीय। गोवा चूंकि एक जगह का नाम है तो नीचे मार्क होगा। शून्य, इस तरह से शाना और या शून्य, ठीक है। रिकॉर्ड री, ठीक है। रिकॉर्ड तमिलनाडु, ठीक है। संधि का फॉर्मूला लगाया है, तमिल पूरा लिखा है, नाडु के लिए ना की व्यंजन रेखा से उसको कॉन्ट्रेक्शन में ले लिया है, कट कर दिया, ओके। राजस्थान, तो राज ये बन गया, स्थान ये भी एक जगह का नाम है तो नीचे हम मार्क करेंगे इसको। खाद्यान्न, ठीक है, धान खाद्यान्न, ये ऑलरेडी आपको विभिन्न भिन्न में बता चुकी हूँ। इस तरह से ना का यूज, जब दो ना एक साथ आते हैं तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नगरों, तो नगर बहुवचन है इसलिए यहाँ पर एक मार्क आ गया है, बहुवचन का साइन, ठीक है। तो नगरों, इसी तरह से आगे देखिए हेल्पलाइन नंबर आपको ऑलरेडी शब्द चिन्ह डिफाइन हो चुका है, ठीक है। तो हमने कैसे लिखा, हेल्प, ठीक, यहीं से लाइन नंबर ये ऐड कर दिया, हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, इस तरह से बनता है हेल्पलाइन नंबर। स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य का सिंबल है, सेवा ऐड कर दिया, स्वास्थ्य सेवा। व्यवस्था, व्यवस्था। लॉकडाउन नागरिकों बहुवचन आ जाएगा यहाँ पर। महा का बना, राष्ट्र का बना, ठीक है, महाराष्ट्र। और दो लाइन यहां डिफाइन कर देंगे हम उसका लेबल डिफाइन करने के लिए, ठीक है। मुंबई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं ये। थर्ड प्लेस साउंड डिफाइन हो रहा है द पर, तो हम इसको थर्ड प्लेस पे उद्धव ठाकरे, ठीक है, क्योंकि नाम है तो मार्क लगाना जरूरी है। तारीफ की जानी चाहिए, ठीक है, तारीफ की जानी चाहिए, तरफ तरह से ही तारीफ बना दिया हमने, जानी चाहिए ऐड कर दिया।
मजबूत। अच्छा, मजबूत में यहाँ पर हमने ब की व्यंजन रेखा दी है और मौजूदा में हमने जा का ही सिंबल थोड़ा बाहर निकाला था। ठीक है, राजनेता, राज का है, नेता बना दिया इसमें। दिल्ली, अगेन आपका उसमें सिंबल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ और वर्ड्स अभी आपके रह गए हैं इस स्मार्ट ऑनलाइन सेक्शन में। अरविंद केजरीवाल, देखिए पहला नाम पूरा देखेंगे, अरविंद, ये आ गई लाइन, अरविंद, ये हल्का सा ये स्पेस देते हुए अरविंद। ठीक है, केजरी, केजरी लिखा है यहां पर और वाल के लिए लाकी व्यंजन लिखा, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि नाम है तो नीचे मार्क लगाना जरूरी है। ऐसा ही किया है, देखिए ऐसा का शब्द चिन्ह है आपका, ऐसा ही किया है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम का पूरा आया और बंगाल का सिंबल उसमें ऐड कर दिया। हालांकि, हालांकि, हल्का सा सिंबल वहां पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आश्वस्त कर रहा है, आश्वस्त मेन वर्ड हुआ। ठीक है, तो श्वस्त, हल्का सा बाहर निकाला, कर रहा है, इस्त का चाप आएगा यहां पर, वाकी व्यंजन लिखा है। ठीक है, आश्वस्त कर रहा है। सुरक्षा, बढ़ जाती है, देखिए बढ़ जाती है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपकी स्मार्ट आउटलाइन कंप्लीट हुई है, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी, तो डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। स्मार्ट आउटलाइन को रिलेट करते हुए आपकी डिक्टेशंस का सेक्शन है, तो जो फर्स्ट डिक्टेशन है आपकी वो 40 वर्ड्स पर मिनट की है, इट मे बी इट अप्रॉक्स 40-45 वर्ड्स पर मिनट। ओके, तो आपकी इस डिक्टेशन में ऑलरेडी जो मैंने आपको स्मार्ट आउटलाइंस बताई हुई हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स को मैं अपलोड करूँगी, तो पहले आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर दैट आप डिक्टेशन को मैनेज करेंगे। ओके, डिक्टेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस में डिफाइन होगी, कॉज ऑफ दैट आप अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड को मेंटेन कर पाएँ एंड अपने कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज कर पाएँ। लोग गाइस, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपके लिए हर स्पीड टारगेट अचीव करना ईजी है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो वही चीज़ आपके लिए एक टफ टास्क में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो बैक काउंटिंग के बाद मैं आपकी डिक्टेशन स्टार्ट करूंगी। सो 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। इंडिया, जो भारत है, राज्यों का संघ होगा, इसी वाक्य से हमारे संविधान की शुरुआत होती है और आज से पहले यह पंक्ति शायद ही सच होती दिखी है। हमेशा से भारत के कई हिस्से रहे हैं, आज भी कई राज्य हैं,
वे सभी भारत हैं। वह भारत जहां अब काफी सतर्क होकर सांसें ली जा रही हैं, जहां हाथ बेहद सावधानी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं और प्रार्थना के लिए अक्सर एक साथ हाथ उठ रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र आजादी के बाद की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हुए हर वक्त हर पहर कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने भी इसे बिल्कुल सही पाया। उन्होंने कहा कि राज्य महामारी के बारे में जमीनी सच्चाई से कहीं बेहतर परिचित हैं। प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें पता है कि जमीनी हकीकत का क्या महत्व है। हमारे प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से वायरस को बेतरतीब फैलने से रोक लिया गया है। अपने यहाँ मौजूद आर्थिक और मानव संसाधन को देखते हुए कई बाधाओं के बावजूद जिस तरह से काम किया गया उसकी सिर्फ सराहना ही की जा सकती है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस मामले में सबसे आगे रहे। उनकी सरकार ने देश के बाकी हिस्सों से पहले अपने यहाँ वायरस को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी तरह महामारी को नियंत्रित करने के लिए उड़ीसा की उपलब्धि उल्लेखनीय रही। तो
गोवा ने सबसे पहले संक्रमण के मामलों को शून्य बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु ने टेस्ट की शुरुआत सबसे पहले करते हुए अपने यहाँ अच्छा काम किया, जबकि राजस्थान ने गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने और हेल्पलाइन नंबर से स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की व्यवस्था करके लॉकडाउन में भारी आर्थिक बोझ उठाते हुए भी अपने नागरिकों की देखभाल की। सभी राज्यों व नगरों में सबसे अधिक चुनौती महाराष्ट्र और मुंबई में है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। यहां भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस मजबूती से लड़ रहे हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने खुद को एक जिम्मेदार राजनेता के रूप में पेश किया है, जिसकी राज्य को जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही किया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अपनी जनता के लिए हद से गुजर जाना आश्वस्त कर रहा है। हालांकि इसमें उनकी खुद की सुरक्षा के प्रति हमारी चिंता बढ़ जाती है। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड में इम्प्रूवमेंट मेंटेन करेगी। लुक, जो 40 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होती है ये बिगिनर्स के लिए होती है। आप कोई भी डिक्टेशन एकदम से 80 में नहीं लिख सकते अगर आपके रूल कंप्लीट हुए। आप 30, 35, 40, 45 इस स्पीड में शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन को मैनेज करते हैं। तो इसको प्रॉपर और फ्लोलेस लिखने के लिए पहले 40 की स्पीड में प्रैक्टिस कीजिए। जब 40 में आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाए तो उसी डिक्टेशन को आगे बढ़ाते हुए 60, 70, 80, 90, 100, 120 तक आप ले जा सकते हैं। पर उसके लिए बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी अनसीन वर्ड है उसको आप पहले प्रैक्टिस में कीजिए। जब प्रैक्टिस ले लेंगे फिर आपके हाथ से वो वर्ड ईजिली बन जाएगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि स्पीड नहीं आ रही। स्पीड
शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन को लिखने से ही आती है। ठीक है, अगर आपके रूल्स हो गए हैं तो फोकस ऑन योर डिक्टेशन, अपने आप आपको इम्प्रूवमेंट पता चलेगा। जब रोज़ आप डिक्टेशंस लिखेंगे दिन में 2 या 3, तो आपको खुद इम्प्रूवमेंट पता चलेगा कि जो आप कहते थे कि स्पीड नहीं बन रही है वो स्पीड डिक्टेशन से ही बन सकती है। तो अभी के लिए इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग।